उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रुहेलखंड के शाहजहांपुर जिले में खूनी संघर्ष हो गया। तिलहर विधानसभा में मतदान के दौरान भाजपा और सपा के दो बूथ एजेंटों की लड़ाई हत्या के अंजाम तक जा पहुंची। मंगलवार को सपा के बूथ एजेंट सुधीर यादव, जो कि महज 18 साल के थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ भाजपा के बूथ एजेंट वीरेंद्र यादव को भी गोली लगी है, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। घटनाक्रम निगोही ब्लॉक के चकौरा गांव का है। सोमवार को यहां मतदान था। इसमें फर्जी वोटिंग को लेकर सुधीर यादव और वीरेंद्र यादव के बीच विवाद हुआ था, जो बूथ तक ही नहीं थमा बल्कि मतदान के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। गोलियां चली, लेकिन तब गांव वालों ने मिलकर इस मामले को सुलझा लिया। मंगलवार की सुबह को फिर ये विवाद उखड़ आया और पथराव के साथ गोलियां तड़तड़ाने लगीं। इसमें सुधीर यादव की गोली लगने से मौत हो गई है। दूसरी तरफ भाजपा एजेंट वीरेंद्र यादव को भी गोली लगी है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे के बाद से गांव में हालात तनावपूर्ण हैं। सुरक्षा के लिहाज से गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि घटनाक्रम को लेकर पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो विवाद को ठीक से डील नहीं कर पाई। इसको लेकर शाहजहांपुर के SP का बयान सामने आया है, सुनिए। थाना निगोही अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर चकौरा में दो पक्षों के मध्य पुरानी ग्राम प्रधान की रंजिश को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष झनकार सिंह यादव और दूसरा पक्ष सर्वेश सिंह यादव, इन दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ, जिसमें सर्वेश सिंह ऑलरेडी जेल में है और इनके दोनों के विवाद में कुछ पथराव हुआ। उसके बाद फिर फायरिंग हुई, जिसमें सुधीर सिंह यादव की गोली लगने से मृत्यु हो गई और वीरेंद्र सिंह यादव को गोली लगी है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, स्थिति नियंत्रण में है। मेरे द्वारा और SP City और CSO द्वारा घटना से निरीक्षण किया गया है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु। तिलहर विधानसभा से रोशनलाल वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो भाजपा की ओर से सलौना कुशवाहा मैदान में हैं। आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरण में समूचे रुहेलखंड में शांतिपूर्वक वोटिंग हुई है, सिवाय शाहजहांपुर के तिलहर के इस घटनाक्रम के, जो पूरे राज्य में चर्चा में है। सुधीर यादव की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। ये विधायक जी, ये आधार भी फर्जी है। हाँ, ये आधार भी फर्जी है। कहाँ बनवा था? खेड़े में, चुनरी हाई स्कूल में। ये विधायक जी खुद करवा रहे थे और फिर जब हमने रोक लिया, जब मैंने रोक लिया, हमने कहा ये फर्जीवाड़ा है, आप क्यों करवा रहे हो? जनता को अपने पिता से चुनने दीजिएगा। फिर बाद में फर्जीवाड़ा हो रहा है ना, मैंने फिर बोले इंस्पेक्टर साहब, मेरे सब का बाल मत तोड़िएगा, तुमको भी आके हम देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा तुमको, और फिर हमारे लड़कों को, मेरे पिताजी को, मेरे भाइयों का पकड़ के और वहाँ सबके हाथ पैर तोड़ दिए और सबको जेल में बंद कर दिया। इनसे पूछो उनका क्या क्या उनका कसूर क्या है? केवल यही तो है कि वो हमारा साथ दे रहे थे। ये फर्जीवाड़ा इंस्पेक्टर साहब ने भी करवाया है। हमने कहा इंस्पेक्टर साहब देखिए जाके फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कुछ नहीं किया। भी मिले हुए थे और सब भी क्या, पूरा थाना ₹25 लाख लिए हैं एसओ साहब ने यहाँ से। चुनने का अधिकार नहीं है, है नहीं है, अगर कह दो नहीं है तो थाना मिला हुआ है।